हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इट मींस कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर, वो हमें डिस्कस करने हैं आज। नंबर 1 फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। जैसा कि आप छोटी क्लास में पढ़ के आए ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपको डायरेक्ट याद रखने, आइडेंटिटीज मीन्स होती है फॉर्मूले। एक्स प्लस वाई स्क्वायर किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास नंबर 4, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ये किसके ऊपर होगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो, फिर डायरेक्ट उसको याद कर सकते हो। जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फाइंड करना है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर लो, तो डायरेक्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। ऐसे ही आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई करना हमें आता ही है। ऐसे ही हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अब ऐसे ही हम इसको फाइंड करना है तो हम ये मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से किया डी एक्स, अब ए को करेंगे एक्स से ए एक्स, ए को करेंगे बी से ए। तो इसमें आप कॉमन ले सकते हो x, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेकर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए, ये होगा हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। देखिए होता है हमारे पास, देखिए इसको भी आप ड्राइव कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड टू टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई करके चेक करके आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर 6, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ये किसके इक्वल होगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो, एक्स प्लस वाई होल क्यूब को आप राइट कर सकते हो। देखिए ड्राइव करके चेक करना एक बार, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आते ही, तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई, क्यूब को आप एक बार स्क्वायर लिखकर और एक बार ऐसे इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनमें बेस इक्वल है, एक्स प्लस वाई बेस इक्वल है, पावर इसकी 2 और इसकी 1 तो पावर 3 होगी, बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं हम, ये राइट करके एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, ये आ जाएगा कंप्लीट। नंबर 7 जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अब देखिए जो प्लस का आपको याद है आपको, तो वाई जहां पर आपको वाई नजर आ रहा है उसके साथ माइनस का साइन लगाकर उसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस होते हैं माइनस वाई क्यूब, वाई के साथ माइनस का साइन आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये प्लस का आएगा प्लस 3 एक्स वाई,
ये x माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर एट जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो नंबर एट फॉर्मूला डायरेक्ट हम उसको रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये किसके ऊपर होता है, इक्वल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसी के मल्टीप्लाई में चलेगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चनों में काम आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मल्टीप्लाई में इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, आपको इसको इन फॉर्मूलों को याद रखने, ये हमारे पास क्वेश्चनों में काम आएंगे जो हम 2.5 एक्सरसाइज अब डिस्कस करेंगे उसमें। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन, सेकेंड एक्स प्लस एट एक्स माइनस टेन। तो वन बाय वन सॉल्यूशन देखते इसका। फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन, इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये किसके ऊपर होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसमें। देखिए x से x कंपेरिजन, वैल्यू ऑफ a 4 एंड वैल्यू ऑफ b 10, तो a की जगह हमें 4 पुट करना है और b की जगह हमें 10 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं आइडेंटिटी में, x a की वैल्यू क्या है 4, x प्लस b की वैल्यू क्या है 10, तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ ए 4 प्लस वैल्यू ऑफ बी 10 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वैल्यू ऑफ ए 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ बी 10। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये तो क्वेश्चन ही बन गया हमारा, ये तो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन इसके इक्वल चले गए, तो सेम इसको सिंप्लीफाई करके राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टेन प्लस फोर 14 एक्स प्लस 4 टेन जा 40 That is answer. ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन x प्लस एट एक्स माइनस टेन, इसमें जो आइडेंटिटी है वो देखिए प्लस वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो हम इसी आइडेंटिटी में वैल्यू b की जगह हम माइनस का बी पुट करेंगे। देखिए पुट करके देखते एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, सबसे पहले पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी इसी को एज इट इज राइट कर लेते हैं, आपको एक ही फॉर्मूले याद करने और उसी में ही यूज करने साइन प्लस ए। अब देखिए एक्स प्लस ए ये तो मैच हो गया प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, तो बी की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है इसमें माइनस बी, तो जहां पर आपको b नजर आ रहा है वहां पर माइनस बी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो इसमें भी हम b की जगह क्या माइनस बी पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस b की जगह माइनस बी पुट कर दी माइनस का b x प्लस का a मल्टीप्लाई माइनस का b, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का a भी है। देखिए आइडेंटिटी बनाना आपको आना चाहिए, b की जगह बस खाली माइनस का भी पुट करने पर पॉजिटिव में, तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, x प्लस ए एक्स माइनस बी ये मैच हो गया, इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी
ब्रैकेट क्लोज x माइनस ए बी। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, x प्लस a की वैल्यू क्या है, a, इसी आइडेंटिटी में पुट करेंगे x, जो तो डायरेक्ट हमारे पास b की वैल्यू माइनस टेन, माइनस टेन से मैच हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू एट है माइनस टेन मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एट और बी की वैल्यू टेन, डायरेक्ट हम इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं। ये तो हमारे पास क्वेश्चन ही बन जाएगा, एक्स प्लस एट एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए छोटे डिजिट में से बड़ी डिजिट, बड़ी वाली डिजिट के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा क्योंकि बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव है, माइनस 2 मल्टीप्लाई में एक्स, 8 टेन जा 8, दैट इज आंसर। तो सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे हम क्वेश्चन को।